गोपाल सदन में आयोजित एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट और अवार्ड कार्यक्रम का हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी के शामिल होने की भी खबर थी। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे और नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि इवेंट के नाम पर फैशन शो कराए जाने की खबर है। ऐसे कार्यक्रमों से लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है, जिसे लेकर कार्यकर्ता विरोध दर्ज करा रहे हैं। गोपाल सदन में आयोजित एक मेकअप सेमिनार और अवार्ड कार्यक्रम का हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कार्यकर्ता कार्यक्रम के दौरान पहुंचे और नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की। हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ऐसे कार्यक्रमों की आड़ में फैशन शो कराए जाते हैं, जिससे अश्लीलता और लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ावा मिलता है, जिसे लेकर कार्यकर्ता कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी के शामिल होने का भी कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। आयोजकों ने हमको आश्वासन दिया है कि कोई अश्लीलता नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि अश्लीलता को भी इन फैशन शो के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है कि ये जो भारतीय संस्कृति का पतन है, ये भी हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं होंगे। मैंने बताया ना, पैसे की आजकल बाढ़ आ गई, जबलपुर में बाढ़ आ गई कि रोज आए दिन फैशन शो आयोजित हो रहा पूरे। हमारा विरोध सिर्फ इस बात का है कि इन कार्यक्रमों के बाद जो होता है, इनके पूरे डाटा, जैसा कि अभी NIA की रिपोर्ट में आया था कि लड़कियों के सारे डाटा, वो कहाँ जाती है, कब जाती है, उनके घर में कौन कौन कब कब रहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास में थी। और उनके बीच का ही कोई भतीजा है उनका, वो ऐसे फैशन शो में जाकर के कोरियोग्राफी करता है। आप ये बताइए, क्या ये किसी भी हिंदू संगठन को या हिंदू समाज को या जो भी मित्र, क्या ये चाहेंगे कि हमारी बहू बेटियों का कोई भी प्राइवेसी जो है विधर्मियों के हाथ में लगे। कार्यक्रम का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने इवेंट आयोजकों से इवेंट को रोकने की बात कही, जिस पर आयोजकों ने उन्हें बताया कि ये इवेंट युवाओं के ट्रेनिंग के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। आयोजकों ने कार्यकर्ताओं का आश्वासन दिया कि इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से फैशन शो का आयोजन नहीं किया गया है। पिछले 5 सालों से हम ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इसमें हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 10 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है, जिसके बेस पर जितने भी स्किल ट्रेनिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, ट्रेनिंग अकेडमियाँ, उन्हें हम फ्रेंचाइजी देते हैं ताकि वो अपने इंस्टीट्यूट पे बच्चों को कोर्स करवाने के बाद अपने इंस्टीट्यूट के नाम से डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे सके। इसमें हम जो इकोनॉमिक बेस पे, मतलब बच्चों को बिल्कुल कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, और इस टाइम हमारे पूरे इंडिया में 500 से भी ज़्यादा सेंटर हैं जो हम 17 से 18 स्टेट में रन कर रहे हैं। जो ये बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो कर रहे हैं इसमें 2 ब्राइडल मेकअप रहेंगे, जिसमें एक मैडम आ रही है प्रयागराज से और दूसरी मैडम आ रही है मैनपुरी से। वो दोनों मैडम एक एक 1.5 घंटे का अपनी जो एजुकेशन होती है वो बच्चों के साथ साझा करेंगे, ब्यूटी पार्लर वालों के साथ साझा करेंगे, जिससे वो अपने आपके स्किल को बढ़ा सकें। हमारा जो मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी पार्लर का स्किल बढ़ाने का है, और उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना डिप्लोमा प्रोवाइड करवाते हैं ताकि कल को उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब या किसी को आउट ऑफ इंडिया जाना हो तो वहाँ पर वो डिप्लोमा लगा सकते। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस कमला मौके पर पहुंच गया था। कार्यक्रम आयोजकों से मिले आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया।